भाई जेठालाल का डीजे आ चुका भाई, क्या मस्त लग रहा भाई। पीछे भी जेठालाल भाई साहब, कितनी बड़ी फोटो लगा दी हमने। तो भाई साहब जेठालाल भाई साहब के डीजे पे लिखा हुआ है नॉनसेंस। चंपक चाचा है, देखो भैड़ी ऑफ रोडिंग कर देंगे ऐसे, आपकी कमर का झटका भी ठीक। तो भाई साहब देख सकते हो जेठालाल डीजे कैसे उछल रहा। अरे अरे चंपक चाचा, ले आऊंगा अगली बार फॉर्च्यूनर, क्यों दिक्कत ले रहे हो। मेरे पास एक इतना तगड़ा भाई, इतना तगड़ा आइडिया ना कि किसी ने सोची नहीं होगी। तो हमारे शहर में आ चुका है भाई साहब चंपकलाल जयंतीलाल के बेटे का डीजे। तीन ट्रक डीजे ना, उसको सीधा लगा देना, इसको सीधा लगा देना, वो क्या कर। तो यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। होप करता हूं सब मजे में। एक और जीटी 5 की ब्रांड न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो हमारे तीनों ट्रक डीजे खड़े हैं गोकुल धाम की पार्किंग में। पार्किंग मान सकते हो, इनका गार्डन सा मान सकते हो, इधर की साइड खड़े हुए। पीछे देख सकते हो यार, ये इससे मिलवाऊं तुम्हें, चलो यार आज इससे मिलवाता हूं तुम्हें, बड़े दिन हो गए भाई। तो ये है भाई साहब, जो ये बैठी है नीचे, ये है मेरी डीजे पार्टनर भाई साहब। इसके साथ मैं शेयरिंग में डीजे वगैरह खरीदता हूँ। तो भाई साहब ये कलमू ही की मुझे थोड़ी फीलिंग दे देती है, मतलब कि फीलिंग की मतलब कि उसकी थोड़ी याद आती है, तो मैं इससे थोड़ी बातें कर लेता हूँ, शेयर कर लेता हूँ। पर इसकी पता सबसे गंदी आदत क्या है, इसकी गंदी आदत है बहुत ही आलसी है ये। तो भाई साहब पीछे देख सकते हो कितने बड़े बड़े ट्रक डीजे के स्पीकर ये आई हुई है चेक करने की, भाई सब कुछ बढ़िया ना, अच्छे से होनी चाहिए। तो गोकुल धाम में होने वाला क्या है, जैसा कि मैंने बताया था आपको, मेगा पार्टी होने वाली है। मेगा पार्टी किस चीज़ की होने वाली है, तो वो रिवील करने वाला हूँ आज मैं। तो गोकुल धाम में होने वाली है मेगा पार्टी, जेठालाल भाई साहब की बर्थडे पार्टी। तो भाई साहब जेठालाल भाई साहब पूरे मतलब कि चाहते हैं कि पूरी इतनी सुपर पार्टी हो, इतनी सुपर पार्टी हो कि किसी ने देखी नहीं होगी। तो भाई साहब यही चीज़ करने वाले हैं हम। तो भाई साहब अभी मतलब प्लान बना, जो चंपक चाचा ना वो बोल रहे हैं भाई मैं अपने बेटे को कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई साहब मेरे पास एक इतना तगड़ा भाई, इतना तगड़ा आइडिया ना कि किसी ने सोची नहीं होगी। तो भाई साहब अभी बस चंपक चाचा आ रहे हैं, ऊपर रेडी हो रहे हैं, तो मैंने कहा जल्दी से आ जाओ चंपक चाचा, जितने मैं आपके लिए गाड़ी भी मंगा लेता हूँ अपने दोस्त की। तो भाई मेरे दोस्त की गाड़ी आ रही है, जैसा कि पता है आपको स्विफ्ट, तो वो भी दिखाते हैं आपको। एंड जितने चंपक चाचा आ रहे हैं नीचे, पीछे वाले रास्ते से आएंगे, क्योंकि यार ये वाली तो सीढ़ी मैंने लगाई नहीं है, क्योंकि बोला चंपक चाचा ने कि बेटा अब तो तू ही कुछ कर सकता है, बाकी इस जेठा बाबूचक से तो कुछ नहीं होता। जेठा बाबूचक ये सीढ़ी भी नहीं लगवा रहा, तो गाइस इसका भी करेंगे इंतजाम। तो अभी बस चंपक चाचा का आने का वेट करते हैं। अरे चंपक चाचा, ले आऊंगा अगली बार फॉर्च्यूनर, क्यों दिक्कत ले रहे हो। अबे तू इस बार क्यों नहीं लाया बाबूचक मेरे लिए फॉर्च्यूनर। अरे भाई साहब चंपक चाचा मान जाओ यार, इस बार मान जाओ यार, इस बार स्विफ्ट मंगा ले, अगली बार पक्का ले आऊंगा। नहीं नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, तू फॉर्च्यूनर लेके आएगा तो ही मैं जाऊंगा। अरे चंपक चाचा मान जाओ, आपके पाई लागू बाबू चक। चल ठीक है, तो जल्दी कर, मेरे को जाना है, फिर दूसरा भी काम है बर्थडे पार्टी का, वो भी करना है मेरे को। अरे चंपक चाचा यार तुम रूसते बो तो भैंस की आंख। अबे तो मैंने तेरे को पहले बोला था फॉर्च्यूनर लेके आना, तू आया नहीं, तो मेरी क्या गलती है उसमें। अरे यार फॉर्च्यूनर अभी लमार लेके गया हुआ है चंपक चाचा जी। अबे लमार की तो, लमार इंपोर्टेंट है या मैं इंपोर्टेंट हूँ ये बता ना, बड़ा कौन है ये, कोई बोलने वाली चीज है। बिल्कुल चंपक चाचा आप इंपोर्टेंट हो। तो फिर अब मेरी बात सुनो चंपक चाचा, जो मैंने गिफ्ट सोचा ना, जो आपने कहा था, हाँ वो क्या सेटिंग बिल्कुल रेडी है, बस उसको लेने ही चल रहे हैं अभी। और क्या क्या काम है आपको मार्केट में, वो भी बता देना, वो भी कर लेंगे। अरे मार्केट, हाँ ठीक है, वो रास्ते में बता दूंगा तेरे को। और वो आपकी सीडी बनवानी है, वो बात आज करनी है, कल करनी है? सीडी का तो आज ही चलना, आज ही कर देते हैं ना, आज खत्म, एक साथ काम खत्म कर देते, फिर एक तो सारा जेठिया बाबू चक करके नहीं देता कुछ काम। अरे यार चलो कोई नहीं, पहले फिर हमें भंगार वाले के पास चलना पड़ेगा। हाँ ठीक है चलना, उधर जाके अपने वो है ना, एक कहाँ पर है ये कोने में, एक खान जी चक करके, वो सारा गाड़िया भी और वो सब करता है ना, उसके पास होगी ना सीडी। हाँ हाँ उसी से लेनी पड़ेगी हमें। तो गाइस हम निकल रहे हैं अभी चंपक चाचा को लेके, जो इनकी सीडी है वो काफी ज्यादा दिक्कत है इनको भाई। जो अरे मेरे को ये बताओ, वो टूट कैसे गई, जेठा की वजन से टूट गई क्या, मेरे को इतनी खबर आई जेठा नहीं, जेठा के उसमें हुआ क्या था, ये टप्पू से ना साले मस्ती कर रहे थे सब, तो जेठा ऊपर चढ़ रहा, तो वो गोली और सब चढ़ गए, तो सब मतलब लोड आ गया, तो टूट गई उधर ही। अरे 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 ये तो बहुत बुरा हुआ चंपक चाचा। वही तो, क्या कर सकते हैं अब, बच्चों को तो कुछ बोल नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों का तो यार काम ही है ना चंपक चाचा, खेलना। हाँ वही, अरे अपने ही है, किसी और के नहीं थे, अपने को क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस अभी निकल रहे हैं चंपक चाचा की सीढ़ी देखने, पहले चलते हैं स्क्रैप यार्ड एरिया में, फिर दिखाते हैं आपको सीढ़ियाँ, जो चंपक चाचा को पसंद आएगी वो ले लेंगे, उसके बाद दिखाएंगे आपको एक धमाकेदार चीज। तो रेडी हो जाओ, जितने आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो लेट्स गो। अरे चंपक चाचा ये वाली सीढ़ी ठीक रहेगी ना आपके लिए, देख लो एक बार।
ठीक है तो क्या भाई, तेरे तूने तो एक बार में काम कर दिया वही अपने को अच्छा लगा, और तो क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज ये वाली हमने सीडी फाइनल कर दी है जो चंपक चाचा उनके लिए, जो भाई साहब बड़े दुखी थे तो हमने करवा दिया काम। यार इतना सा काम था, जेठालाल कर नहीं सकता आपका बेटा है। वो नॉनसेंस है, वो सर कुछ नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल नॉनसेंस वाड़ी है। तो गाइज हमने ये वाली सीडी की बुकिंग कर दी है, एंड अपना जो कैंपर है बोलेरो वो आएगा यहाँ पे, क्योंकि उसका डीजे हमने हटवा रखा है तो उसमें ये लेके आएगा। अभी जो हमारा लमार भैया उसको बोल दिया मैंने, बाकी यहाँ से निकल रहे हैं हम। ओहो भाई साहब स्विफ्ट भी देखना, एक नंबर है चलने में, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलने की बात नहीं है भाई, तू चाहे भगा मत भाई, मैं पीछे बैठा हूँ एक तो। अरे 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 मेरी क्या बोलूँ, मेरी कमर टूटी जाती है अभी, इतनी ड्रिफ्ट क्यों मार रहा है। अरे कहाँ मार रहा हूँ चंपक चाचा, आराम आराम से तो चला रहा हूँ। हाँ आराम आराम से चला। अरे यार एक तो ये बहस किया कि बूढ़े आदमी होते हैं ना साथ में तो थोड़ी दिक्कत होती है यार। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। कुछ नहीं कुछ नहीं चंपक चाचा, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, आराम से मैं तो चला रहा हूँ। तो ठीक है, हाँ ज्यादा ना बोलियो। अरे नहीं बोल रहे चंपक चाचा, आप सीमियन के वहाँ पे चलना पड़ेगा, मैं आपका गिफ्ट लेने। सीमियन के पास गया क्या वो? हाँ बिल्कुल, मैंने वहीं डिलीवर करवा दिया, क्योंकि आप कह रहे थे कि कोई जानकार के पास रखना क्योंकि कुछ हो ना जाए इसलिए। जानकार की बात नहीं है, एक बार सीमियन से हमने गाड़ी मंगवाई थी एक, अच्छा, साल खराब आ गई थी। अरे समझ रहे हो? उनसे नहीं मंगवाई थी, बस डिलीवरी करवाई है वहाँ से। ये तो मेरी तो ठीक है। हाँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन से मैंने स्पेशल कस्टम बनवाया उसके लिए। हाँ तो ठीक है ना भाई, अपने को और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ चंपक चाचा कैसा चल रहा गोकुल धाम में सब? गोकुल धाम में सब सौदा पानी ठीक है, एक नंबर है। अरे अरे क्या बात क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल वही चाहिए, और क्या चाहिए हमें। क्या कर रहा है तू वापस भाई, रास्ता इधर है। अरे थोड़ी बहुत ड्रिफ्ट कर देता हूँ मैं चंपक चाचा। नहीं, भाई ऐसी ड्रिफ्ट ना करते बेटा, क्या ही बोलूं। आराम आराम से चला रहा हूँ, देखो 150 स्पीड ही तो है, और क्या है। 150 कम होती है क्या? अरे अरे फिर तो तू बोलेगा 150 रुपया लेगा मेरे को, बोलेगा तू पीछे से आगे से, मतलब चंपक चाचा पेट्रोल डलवा देना बस इसमें, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे से पेट्रोल मांगेगा? अरे नहीं नहीं मतलब की तो फिर वो तो मैं थोड़ी कॉमेडी कर रहा था आपके साथ। हाँ कॉमेडी करेगा मेरे साथ? बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ तो कर ही सकते हैं। कर कर वही तो, तू भी अपना ही बेटा है क्या ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस अभी निकल रहे हैं सीमियन की दुकान के लिए, एंड फिर मैं ओए क्या कर रहा है बे फ्रैंकलिन कलुए घटेरा। अरे रे ये क्या हो गया, फ्रैंकलिन भैया जी ने कुछ गलत कर दिया क्या चंपक चाचा? साले नॉनसेंस। अरे कुछ नहीं हुआ था, नंबर प्लेट पे थोड़ा कलर सा लगा है, बाकी यार मेरा ध्यान इधर उधर हो गया था चंपक चाचा जी। मत देखा कर, ध्यान उधर उधर मत किया कर, समझ रहा है। अरे 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 कोई नहीं, तो गाइस अभी निकलते हैं। अरे गोलियां चल गई चंपक चाचा पे। अरे नहीं पीछे पुलिस पुलिस पड़ गई है आपके पीछे, नहीं है लेकिन भाई भगा भगा तू भगा भाई, मैं नहीं जानता इनको। अरे चंपक चाचा ऐसे क्राइम तो होते रहते हैं यहाँ पे। हाँ वही बिल्कुल, आपका गोकुल धाम थोड़ी ना जो कुछ भी ना हो। अबे तू बातें भी करेगा या सीमियन के पास ले भी जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस चलते हैं सीमियन के पास एंड दिखाते हैं आपको फिर वो स्पेशल चीज। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सीमियन की जो दुकान है उसके बहुत करीब। तो भाई साहब यहां पे आ रखा जेठा भाई साहब का स्पेशल गिफ्ट, जो कि मेरी और चंपक चाचा की तरफ से है, क्योंकि उन्होंने भी थोड़ा बिजनेस के बारे में सोचा था। तो गाइस आपको थोड़ी बहुत चीजें तो दिख गई होगी। तो भाई साहब ये देख सकते हो ये, अरे सीमियन भैया भी खड़े हैं। तो भाई साहब ये देख सकते हो ये वाली चीज। तो भाई साहब हमने जेठा भाई साहब को खुश करने के लिए एक नया डीजे लिया जिस पे है जेठा भाई साहब की फोटो, जिनका नाम रखा हमने जेठालाल डीजे। भाई साहब नॉनसेंस वगैरह भी लिखा हुआ है, कैसा लगा चंपक चाचा? अरे एकदम बढ़िया कलुए, जैसा कहा था आपने वैसा ही करवाया। देखो इधर की साइड आओ, आपने जो चीज बोली थी वो भी लिखवाई है मैंने। हाँ लिखवाई है ना, ये देखो यहाँ पे नॉनसेंस भी लिखा हुआ है, नॉनसेंस नॉनसेंस। भाई देख सकते हो भाई जेठालाल भाई साहब के बर्थडे पे ये वाला डीजे जो चलने वाला आज, देख सकते हो भाई, एंड जो हमारे ट्रक डीजे वो भी चलेंगे। एंड सबसे बढ़िया चीज तो ये देखो भाई साहब, जेठा भाई की पीछे की साइड भी फोटो लगी हुई है। बाकी और बताओ चंपक चाचा कैसा लग रहा है जेठालाल डीजे? एक नंबर भाई एक नंबर। अरे सीमियन भैया बहुत अच्छा काम करते हो भाई, सीमियन भैया को थैंक यू बोल दो चंपक चाचा, इन्हीं का कमाल है। अरे सीमियन थैंक यू भाई। बिल्कुल भाई साहब, तो अभी पूरा जो चंपक चाचा वो पेमेंट वगैरह कर देते हैं, कार्ड से कर देता हूँ फिर मैं। कार्ड से क्यों, तेरे को मैंने ऑनलाइन तो भेजे तो ऑनलाइन कर देना। अरे तो भाई साहब वो कार्ड में डाल दिए मैंने, ऑनलाइन ही हो जाएंगे। हाँ ठीक है ऑनलाइन कर, वो जैसे करना हो कर दे तू। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब चंपक चाचा को अभी तक यही नहीं पता कार्ड भी ऑनलाइन पेमेंट भी होता, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अब बुढ़ा हुआ है इनको क्या ही बोले। हाँ, तो बस अभी पीठ पीछे बोल ले। अरे कुछ नहीं बोल रहा चंपक चाचा, कुछ नहीं बोल रहा। हाँ तो ठीक है, तो भाई साहब अभी पेमेंट वगैरह करते हैं फिर निकालते हैं अपने जेठालाल डीजे को।
तो भाई साहब ये देख सकते हो हमारी जो स्विफ्ट है वो तो यहाँ पे खबर खड़ी कर दी क्योंकि थोड़ा बहुत काम कराना बाकी। ये देखो भाई साहब जेठालाल डीजे, जेठालाल डीजे, जेठालाल डीजे। तो भाई ये देख सकते हो आगे कितनी प्यारी लग रही है भाई, वाइट कलर बोला था इन्होंने। इधर की साइड भी देख सकते हो जेठा भाई की फोटो है, पीछे की फोटो अभी आपने पूरी अच्छे से नहीं देखी, वो दिखाता हूं। तो बैठो भाई साहब, चंपक भाई साहब। अरे बैठ रहे हो ना, शांति रखेगा, तेरे से जवान नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बैठ गए भाई, देख सकते हो। चंपक चाचा कैसी है फिर, कम्फर्ट है सीट? किधर हो, इधर हो? ए हाँ इधर है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, तो देख सकते हो जेठालाल डीजे लेके निकल रहे हैं हम सीमियन की दुकान से। भाई क्या लग रहा है। फ्रैंकलिन मेरी बात सुन। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैंने तेरे को कोका कोला का बोला था, वो ट्रक आ जाएगा ना? अरे आ जाएगा आ जाएगा। अरे बिल्कुल साहब मंगा लेंगे, क्यों दिक्कत ले रहे हो, अभी तो काफी टाइम है, बिल्कुल पार्टी तो आराम से करेंगे। हाँ ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब ये देख सकते हो सीट। ओए ओए उड़ा क्या रहा है भाई, उठा क्या रहा है भाई। अरे चंपक चाचा इतना तो चलता है, इतना तो करने दो भाई साहब मुझे। ये देखो भाई साहब, चल गिरा मत देना भाई। अरे नहीं गिराएंगे चंपक भाई साहब, कैसी दिक्कत ले रहे हो तुम, हमारे लोस सेंटोस में आप ऐसे थोड़ी ना गिरा देंगे भाई साहब। ये देख सकते हो पीछे की साइड जो जेठालाल की फोटो लगी हुई है भाई, चमचमाती भाई, अलग ही लग रही है, एक नंबर भाई। तो इधर सिटी की साइड से इसको निकाल के फिर देखना, उधर की साइड दौड़ाएंगे। तो चल रहे हैं अभी इधर से भाई, आराम आराम से, देख सकते हो जेठालाल डीजे, जेठालाल डीजे, जेठालाल डीजे। अरे धीरे करना भाई, ये क्या करे जा रहा है। अरे अब तो भाई साहब चंपक चाचा आपकी नहीं सुन रहा मैं, अभी तो भैंस की आंख कर देंगे। अरे 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 डीजे, आपने बोला कि देख सकते गाइस इसमें डील क्या हुई है कि अभी मैं बर्थडे के लिए जेठालाल को गिफ्ट दे देना, बाकी जो इसके पैसे होंगे वो हाफ हाफ 50-50 डिवाइड हो जाएंगे जो चंपक चाचा और मेरे बीच में, क्योंकि जेठालाल तो दुकान करेगा। तेरे को दूंगा ही नहीं। अरे ऐसा मत करो चंपक चाचा, ऐसा मत करो। तेरे को बोला एक बार धीरे चला, क्यों नहीं चला रहा? तो बिल्कुल बिल्कुल धीरे चला रहा हूँ। तो भाई साहब इधर से निकलते हैं सिटी एरिया से एंड फिर मिलते हैं उधर की साइड जाके, गोकुल धाम की साइड ही। तो भाई साहब देख सकते हो जेठालाल डीजे कैसे उछल रहा है। अरे भाई भाई अलग ही भाई, अलग ही है जेठालाल डीजे, देख सकते हो आ चुका अपने शहर में भाई साहब। चंपक चाचा कैसा लग रहा है, बोलती बंद होगी क्या? अबे मैं तेरे को ऑफरोडिंग बोला था, उठाने नहीं बोला था भाई, मेरी कमर दर्द करने लग गई भाई। अरे चंपक चाचा कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठे रहो यार। क्या है ये देख सकते हो भाई, जेठालाल डीजे आ चुका है, जेठालाल डीजे। ओ भाई गॉड, भाई साहब जेठालाल डीजे तो बढ़िया है यार। पानी में मत ले जा भाई, बंद हो गई, फिर मेरे को वापस से चूना लगेगा। अरे नहीं लगेगा चूना, ऐसे कैसे लग जाएगा। देखो ऑफरोडिंग में मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी देख लेते। देखो ये देखो ये अब ऐसी जगह से तो निकालोगे, बाकी और दिखाओ ऑफरोडिंग। नहीं 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 भाई, तू उड़ाएगा, मेरे को नहीं अच्छा लगता भाई। अरे अरे चंपक चाचा क्यों दिक्कत ले रहे हो, ये देखो भाई साहब दिक्कत लेनी पड़ती है। ये देखो भाई, कमर में झटका आ गया क्या? कमर में झटका लगा भाई। अरे कुछ नहीं होगा, देख सकते हो भाई साहब, वो पानी में मत ले जा भाई। अरे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम बैठे हैं। सर्दी सर्दी हो जाएगी फिर, आज रात को नाचना भी है भाई। अरे, डीजे अरे, में अरे, भाई साहब चंपक चाचा आज डांस करेंगे डांस। तो भाई साहब भाई देख सकते क्या लग करेंगे रहा। अरे कुछ नहीं होगा चंपक चाचा, देखो भैड़ी ऑफरोडिंग कर देंगे ऐसे, आपकी कमर का झटका भी ठीक कर देंगे, बताओ। नहीं 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 रहने दे, कुछ मत कर तू, तेरे पे तो भरोसा नहीं है। अरे मेरे पे भरोसा नहीं है, जेठालाल पे भरोसा क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, उससे तो तेरे से ज्यादा उस पे भरोसा नहीं है। अरे अरे तो देख सकते हो गाइस जेठालाल डीजे आ चुका है रे भाई साहब, देख सकते हो क्या मस्त चलता है। बाकी इधर की साइड तो टेस्टिंग वगैरह कर रहे थे। ये देखो ये देखो ये 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 भाई साहब जेठालाल, ओ भाई ओए घुमा दिया, देख रहे हो भाई भाई साहब। ये देखो मैं तेरे को बहुत मारूंगा, तू मेरे को गोकुल धाम में मिल, तेरे को बहुत मारूंगा मैं। अरे चंपक चाचा कुछ नहीं होगा। अरे ये देखो आप डीजे देखो ना, डीजे कितना प्यारा उछल रहा है, ये देखो। वही तो भाई, क्या ना एक नंबर फोटो लगा रखी है भाई साहब, जेठा की जैसी आपने फोटो दी थी वैसी वैसी लगवा दी हमने तो। वही तो नॉनसेंस वाला तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये देख सकते हो भाई साहब निकल रहे हैं इधर से लेके। अरे ये ट्रक वाला, अरे हट जा भाई, ट्रक। अरे कहां ये ट्रक वाले को बनाओगे चौधरी? चलो छोड़ो यार, आपके बना सामने दे, बना दे। अरे नहीं आपके सामने वॉयलेंस नहीं करना मुझे भाई साहब। ठीक है तो सही है, नहीं तो वापस गुंडे छड़ी से गुंडे आ जाएंगे वापस से पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई साहब देख सकते हो जेठालाल डीजे क्या लग रहा भाई, एक नंबर। तो अभी लेके निकल रहे हैं गोकुल धाम में, अभी तो नहीं ले जा सकते क्योंकि पीछे की साइड ही खड़ा करना पड़ेगा हमें, वरना जेठालाल सरप्राइज देख लेगा हमारा। क्या बोलते हो, इसको टक देना उधर जाके, कहाँ अभी तो जेठिया दुकान पे होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई साहब पीछे की साइड पार्किंग में लगाना पड़ेगा क्योंकि जेठालाल को शाम को सरप्राइज देंगे जब उनके नाम का डीजे बजेगा, भाई साहब खुश हो जाएंगे पूरा।
क्या बोलते हैं, तीन ट्रक डीजे ना, उसको सीधा लगा देना, इसके पीछे ये लगा देना। वो क्या कर रहा है? अरे भाई ये तो कॉमेडी कर दे। ओ भाई भाई भारी कॉमेडी कर रहा है तू तो। बच गए चंपक चाचा, अभी तो हो गया था हमारा सी। वही भाई, तू ऊपर मत चढ़ा देना इसके। अरे अरे ऊपर चढ़ाना क्या, लोग ऊपर चढ़ा देंगे। ये बताओ, ये चढ़ा दे चढ़ा दे। ये देख सकते हो भाई, हमारे शहर में आ चुका है चंपक चाचा का डीजे, जो चंपक चाचा का भी शहर है इसमें। चंपक चाचा आपको बनवा दे डीजे, बनवा दे बनवा दे। उससे अच्छा हुआ है ना, वो तेरे को बात की था मैंने, जीटा वाला समझ रहे ना? ओके, समझ रहे ना? ओके ओके, बस तो फिर मेरे को पता है जीटा मेरे को बोलता नहीं है कभी। अरे अरे कोई नहीं, कर देंगे, तुम्हारा भी बर्थडे आंदो फिर तुम्हारा भी कर देंगे सीन। बाकी देख सकते हो गाइस, हमारे यहाँ पे चल रहा है चंपक लाल जयंती लाल के बेटे का डीजे। क्यों सही नाम बोला ना मैंने भाई, गड़ा बोला तो रह गया तेरे का। अरे गड़ा रह गया क्या भाई साहब? ये देखो, ये देख सकते हो भाई, जेठालाल का डीजे आ चुका भाई। क्या मस्त लग रहा भाई, जेठालाल डीजे इस हेयर। ये देखो भाई साहब, ये क्या मस्त चलता भाई। हैंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं, ऑफ रोडिंग में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही चंपक चाचा? कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भाई साहब आराम आराम से जा रहा है। ये देख सकते हो हमारे जेठालाल भाई साहब का डीजे पूरा पानी से भी ऐसे निकल जा रहा आराम से। वोटर टेस्ट में भी पास है ये। हाँ वही, इसको ऑफ रोडिंग में ले जाएंगे एक दिन। बिल्कुल, और हैवी ऑफ रोडिंग करनी तो बता देना गाइस आप कमेंट करके। बाकी मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है जेठालाल भाई साहब का डीजे। ये देखो, ये जेठालाल भाई साहब का डीजे पूरा चमकीला है भाई साहब। ये देखो, यहाँ से पानी से भी आराम से निकल जा रहा है। देखो कितना पानी में से भी निकाल दिया मैंने भाई साहब, आधा पानी था आधा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इधर आप चंपक चाचा चिल विल करोगे या फिर चलोगे गोकुल धाम? नहीं नहीं, गोकुल धाम चलना भाई, मेरे को दवाई भी पीनी है आज की। चलो भाई साहब, चंपक शाम होने आने वाली है अभी, पता है तेरे को? अरे हाँ हाँ, शाम तो लॉस एंजेलोस में पता नहीं चलता, जैसे ही गोकुल धाम जाऊंगा रात के 8 बजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देख सकते हो भाई, गोकुल धाम के लिए निकल रहे हैं जेठालाल का डीजे लेके। ओहो, बिल्कुल देख सकते हो क्या मस्त लगता है। इधर की साइड से चलेंगे चंपक चाचा, थोड़ा शॉर्टकट पड़ेगा। हाँ ठीक है, इधर से चल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देख सकते हो आराम आराम से। चंपक चाचा को एक स्टंट दिखाने वाला हूँ गाइस मैं आगे, क्योंकि यहाँ पे एक टूटा हुआ ब्रिज है, उस पर बहुत मजा आएगा। चंपक चाचा आप अपना सीट बेल्ट लगा लो, एक चीज होने वाली है आपके साथ। क्या होगा भाई, तू मेरे को मारवा नहीं देने वाला ना? अरे मरोगे मरोगे कुछ नहीं, आप रेडी हो जाओ। तो ठीक है, हाँ मैं तो रेडी हूँ भाई साहब। ये हमारे शहर में आ चुका है भाई साहब चंपक लाल जयंती लाल के बेटे का डीजे। नहीं नहीं नहीं, मत गिरना मत गिरना आज भाई, मस्त लैंडिंग है भाई, सही है। ड्राइवर है, जंप भी कंप्लीट कर लेते हैं ऐसे। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप इधर ना एक पेट्रोल पंप, उसमें मैं फुल करवा लेता हूँ ताकि कल को दिक्कत ना आए। हाँ ठीक है ठीक है। बिल्कुल भाई साहब, थोड़ा आगे से देख सकते हो, लेके जा रहे हैं हमारे जेठालाल जी गड़ा जी का डीजे भाई साहब, एक नंबर लगता है वैसे। ओहो भाई ऑफ रोडिंग, अरे दिक्कत तो नहीं हो रही ना चंपक चाचा अंदर? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सीट मस्त है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देख सकते हो भाई साहब, ट्रिप ट्रिप में एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो भाई जेठालाल का डीजे, देखो भाई जेठालाल का डीजे भाई, एक नंबर यार, कहते मजा आ गया चंपक चाचा इसको तो बनवा के। हैं बनवा के भाई, इसीलिए तो तेरे को बोला था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा तेल वगैरह भरवाते हैं भाई साहब इसमें, इधर खड़ा करते हैं पहले तो इसको। यहाँ पे रुको, अभी पहले टोकन लेके आ जाओ जितने आप, मैं दिखा देता हूँ फिर पब्लिक को। हाँ लेके आया मैं। तो भाई साहब जेठालाल भाई साहब के डीजे पे लिखा हुआ है नॉन सेंस भी लिखा हुआ है इधर की साइड देख सकते हो, एंड ऊपर की साइड भी फोटो वगैरह कितनी प्यारी प्यारी लगी हुई है, दया की भी फोटो लगी हुई है नीचे की साइड। भाई जेठालाल डीजे इन अ हाउस प्रोड, जेठालाल डीजे और वॉट, जेठालाल डीजे आ चुका है अपने प्यारे शहर में। तो भाई साहब अभी लेके निकल रहे चंपक चाचा अंदर आराम से, मतलब छिल कर रहे हैं। चंपक चाचा ठीक हो ना? हाँ भाई ठीक हूँ मैं, तू आ जा जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, पीछे वाली सीट पे लेटा दिया, उनकी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा था। एक बार चंपक चाचा मैं पीछे की फोटो भी दिखा दूँ भाई, पीछे भी दिखा दे, दिखा ये दे। देखो गाइज, ये पीछे भी जेठालाल भाई साहब, कितनी बड़ी फोटो लगा दी हमने जेठा भाई साहब की, भाई मजा आ गया, कहते एक नंबर। तो फिर देखते हैं गाइस, कल होने वाली है हमारी जो जेठालाल भाई साहब की है पार्टी। क्योंकि आज की वीडियो इतनी रखते हैं, होप करते हैं आपको मजा आए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना जेठालाल डीजे कैसा लगा। बाकी ये भैंस की आंख बहुत बोल रहे हैं, इनकी मैं करता हूँ अभी सुताई। तो चंगा फिर अगली वीडियो।